आम आदमी पार्टी के एक और विधायक पर ईडी शिकंजा कस सकती है। केंद्रीय एजेंसी की एक टीम विधायक गुलाब सिंह के घर छापेमारी करने पहुंची। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को ये दावा किया। पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एजेंसी विधायक के घर पर रेड कर रही है। पार्टी विधायक गुलाब सिंह यादव पर ईडी की छापेमारी पर दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग जान गए हैं कि बीजेपी सरकार पूरे विपक्ष को जेल में डालने में लगी है। भारत रूस की राह पर चल रहा है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया में ऐसा देखा जा चुका है और अब भारत भी उसी राह पर है। आप नेता ने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अब तानाशाही की राह पर है, जहां लोगों के बुनियादी अधिकार खत्म हो जाएंगे, जहां विपक्ष को रोका जाएगा। हमारे शीर्ष चार नेता झूठे मामले के तहत जेल में हैं। हम गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी के गुजरात प्रभारी गुलाब सिंह यादव के यहां आज छापेमारी हो रही है। आने वाले समय में आप नेताओं और अन्य विपक्षी नेताओं पर छापेमारी की जाएगी ताकि विपक्ष डरकर चुप हो जाए। सीएम अरविंद केजरीवाल पर आप नेता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल वही करेंगे जो जनता कहेगी। उन्होंने हमेशा लोगों के कहे के आधार पर बड़े फैसले लिए हैं। इस फैसले से पहले उन्होंने अपने सभी विधायकों से संपर्क किया, बातचीत की, बैठकें की और पार्षदों से मुलाकात की। हमने सभी वार्डों में लोगों से भी बात की। सभी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सीएम बने रहेंगे। आप विधायक गुलाब सिंह यादव को दिल्ली पुलिस ने 2016 में जबरन वसूली के एक कथित मामले में गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी तब की गई थी जब दो प्रॉपर्टी डीलरों ने आरोप लगाया था कि गुलाब सिंह यादव के सहयोगी उनसे पैसे वसूल रहे थे। इसके बाद मामले की जांच में शामिल होने में विफल रहने के बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। दिल्ली पुलिस ने यह भी दावा किया था कि उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं है। इस मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर की गई थी। फिलहाल गुलाब सिंह यादव गुजरात में पार्टी के प्रभारी पद पर भी काम कर रहे हैं। आप नेता गुलाब सिंह यादव दो बार के विधायक हैं। फिलहाल वे दिल्ली के मटियाला विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे इसके अलावा गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान आपके प्रभारी रह चुके हैं और खुद को अरविंद केजरीवाल की टीम का सिपाही भी बताते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।